यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि केपॉप इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्रीज में से एक है। और जो केपॉप को नहीं भी जानते वो बीटीएस और ब्लैक पिंक के बारे में तो जानते ही हैं। लेकिन आप में से हमारे काफी दोस्तों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये केपॉप जनरेशन क्या है और बीटीएस किस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ, जो शायद अब तक किसी भी हिंदी यूट्यूब चैनल पर इस बारे में नहीं बताया गया होगा। तो मैं आपको इस इम्पोर्टेंट और एंटरटेनिंग न्यूज के बारे में बताऊँ। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों, केपॉप जनरेशन को समझने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री समझना जरूरी है कि केपॉप की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो यहाँ आपको बता दें कि केपॉप की शुरुआत 1990s में हुई, जिसे फर्स्ट जनरेशन नाम दिया गया। और इस जनरेशन में सताईजी, हॉट, रेन, लीहोरी और बोआ जैसे कुछ ऐसे आइडल्स थे जो कोरिया के साथ साथ ग्लोबली पॉपुलर हुए, जिसमें से आपने भी रेन, लीहोरी और सताईजे का कोई ना कोई सॉन्ग तो जरूर सुना होगा। हमारे जो दोस्त इन्हें नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये सभी आइडल्स आज की जेनरेशन की इंस्पिरेशन है, क्योंकि इन्होंने ही केपॉप इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, इसलिए कोरिया में आज इनकी काफी रेस्पेक्ट है। और जैसा कि आप सभी ये तो जानते ही हैं कि केपॉप करियर सिर्फ 10 इयर्स का होता है, तो 90 से शुरू होने वाले केपॉप आइडल्स ने 2000 तक फर्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट किया, जिसके बाद सेकंड जनरेशन की शुरुआत हुई, जिसमें वंडर गर्ल्स, टू इन वन, सुपर जूनियर, गर्ल्स जनरेशन और शाइनी ग्रुप मेंबर्स थे, जिन्होंने केपॉप इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए हॉलीवुड की हिप हॉप इंडस्ट्री के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। और मेरी ही तरह जो केपॉप के ओल्ड फैन रहे होंगे उन्होंने इन सभी ग्रुप्स को जरूर सुना होगा। वेल, 2000 से लेकर 2010 तक इन सभी ग्रुप्स ने सेकंड जनरेशन को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट किया। और इसके बाद बारी आई थर्ड जनरेशन की, जिसकी शुरुआत केपॉप इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर ग्रुप्स एक्सो, बीटीएस, ब्लैकपिंक, गॉट सेवन, रेड वेलवेट और स्पाइस ने की। और आप सभी इन ग्रुप्स को तो अच्छे से जानते ही हैं, जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा रखी है, जिसमें बीटीएस और ब्लैक पिंक ने तो एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि बीटीएस या ब्लैक पिंक किस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वो थर्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अब जो ग्रुप्स बन रहे हैं या जो ग्रुप्स 2018 के बाद बने हैं, वो सभी फोर्थ जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें TXT, स्ट्रे किड्स, एनआईफन, ली सेराफिम और न्यू जीन्स ग्रुप शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस किस जनरेशन के सॉन्ग सुनते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स आपको पसंद है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे ओ।